हेलो स्टूडेंट, एमएस वर्ड में आज का टॉपिक है इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर वर्ड आर्ट सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट में वर्ड आर्ट को इंसर्ट किया जाता है। ओके, तो किसी भी डॉक्यूमेंट में वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट ब्लॉक में यहाँ पे ये वर्ड आर्ट, ये जो ए लिख के आ रहा है, वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं जिस स्टाइल में आपको अपने टेक्स्ट जो है लिखने हैं। तो यहाँ पे ये वाला स्टाइल मैं चूज कर रही हूँ। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे उस टेक्स्ट को, योर टेक्स्ट इज हियर। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कंप्यूटर साइंस। ओके, यहाँ से आप साइज वाले ऑप्शन से साइज चेंज कर सकते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ से साइज लिया 20 और इस तरह से टेक्स्ट का साइज हो गया 20। आप फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ स्टाइल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे किसी भी स्टाइल में आप क्लिक करके टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं और उसके बाद करेंगे ओके पे क्लिक। तो यहाँ पे आपका वर्ड आर्ट जो है इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको जो भी आउटलाइन है इसके अंदर अगर आपको कलर फिल करना है तो शेप फिल ऑप्शन पे जाएंगे। शेप फिल ऑप्शन में वेरियस टाइप ऑफ कलर दिए गए हैं, तो यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट करके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके कलर ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे कोई भी कलर सिलेक्ट करके आप जो आपको पसंद है वो कलर आप सिलेक्ट करके यहाँ पे आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे येलो कलर लिया है, तो यहाँ पे इसकी आउटलाइन किस तरह की होगी है, येलो कलर की। ओके, और अगर आपको आउटलाइन का कलर थिक करना है तो यहाँ पे वेट वाले ऑप्शन पे जाके वेट वाले ऑप्शन पे यहाँ से कोई भी आउटलाइन, यहाँ पे आउटलाइन का साइज आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं आउटलाइन को। और अगर आपको ये कंप्यूटर साइंस जो लिखा है इसकी शेप को चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है चेंज शेप। तो चेंज शेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ शेप्स प्रोवाइड की गई हैं, तो इनमें से आप कोई भी शेप ले करके या इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टाइल ले रही हूँ और यहाँ पे इसका कलर, सॉरी, शेप जो है इस टेक्स्ट की चेंज हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह इसमें हम शेडो इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। शेडो इफेक्ट ऐड करने के लिए शेडो इफेक्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। शेडो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं, जो भी आपको पसंद हो वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। ओके, 3D इफेक्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे 3D इफेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे 3D इफेक्ट में क्लिक करके आप 3D इफेक्ट इस टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी टेक्स्ट को हम 3D इफेक्ट जो है प्रोवाइड कर सकते हैं।